हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटो स्टूडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये है अपने पास मारुति सुजुकी की सिलेरियो, जो कॉस्ट करती है अराउंड 5 लाख रुपए से, और टॉप मॉडल की मतलब 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास। तो ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअली अपनी पहली गाड़ी ले रहे हैं, तो उनके लिए कह सकते हैं मतलब उसी सेगमेंट में आती है, जैसे ये एक ऑल्टो 800 होती है या क्विड होती है, वैसी सेम टू सेम एक ये गाड़ी भी उसमें आ जाती है। और एक वैगनार आप देख सकते हैं, वैगनार भी आ जाती है। तो अगर फ्रंट से बात करी जाए तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड ही हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाली है, जो कि हेलोजन बेस्ड है। और यहाँ पर नीचे भी आपको जो फॉग लैम्प देखने को मिलेगी, वो भी हेलोजन बेस्ड मिलेगी। और एयर वेंटिलेशन के लिए आपको जगह प्रॉपर छोड़ दी गई है, और सुजुकी का लोगो हो गया, और क्रोम का थोड़ा सा वर्क किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पैटर्न है काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ये कलर भी एक्चुअली सुंदर लग रहा है। 6 कलर्स में ये अवेलेबल है, और काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी सी है और क्यूट सी लगती है, और लेडीज़ इसे ज़्यादा पसंद करेंगी मेरे हिसाब से, जो मैं मतलब मैं जितना मैंने सोचा है। और जो लिप है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी गई है, जो कर्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर साइड से बात कर लेना, साइड से जो अलॉय व्हील है वो कंट्रास्ट को मैचिंग करते हुए रखे गए हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो टायर डाला गया है वो योकोहामा का डाला हुआ है। 4 लग नट का ऑप्शन रखा गया है इसके अंदर, और जो इसका साइज़ है वो 15 इंच का अलॉय व्हील है, जो कि ब्लैक एंड ग्लॉस ब्लैक कलर में। और जो टायर साइज़ है वो 175/60 R15 का टायर देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है आपके RBMs पे, और इधर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे डोर पे। वी टॉक अबाउट रिक्वेस्ट सेंसर, इधर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रखी गई है इसकी। और व्हील बेस भी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया ठीक ठाक रखा गया है। और कंट्रास्ट के लिए जैसे ये ब्लू कलर है, तो इसमें आपको ब्लैक का टेपिंग वगैरह मिल जाती है देखने को, और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पर रूफ रेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, ना ही सनरूफ देखने को मिलता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और 313 liters का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, और रिफ्लेक्टर बेस भी आपको टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाली हैं। तो ये है, अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये मैनुअल डोर हैंडल टाइप मिल जाता है, और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिलेरियो की बैजिंग हो जाती है, और यहाँ पर मारुति का लोगो हो गया, सुजुकी का लोगो एक्चुअली, वाइपर, रियर वाइपर, और ये है विंडशील्ड डिफॉगर, और यहाँ पर वॉशर मिल जाता है। स्पॉयलर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसको ओपन करें तो आपको 313 liters की बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से उठा लें तो इसमें आपको स्पेयर व्हील भी आपको ब्रिजस्टोन का देखने को मिलने वाला है, जिसका 14 इंच साइज़ है, स्टील रिम है, ये आप देख सकते हैं, और जैक वगैरह पड़ा हुआ है। तो मारुति की यही मेरे को बेकार चीज़ें लगती हैं, कि ये सब पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, आराम से इसको एडजस्टमेंट के लिए जगह दे दो ना, जिससे कि ना स्पीड ब्रेकर पर खड़बड़ नहीं करेगा। ये है ना, बैड वो बनाता है, इंप्रेशन बनाता है एक कस्टमर के ऊपर। यहाँ पर पार्शल ट्रे देखने को मिल जाती है थ्रेड के साथ, जो कि आप एकदम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और 2 हाई गैस स्ट्रट मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको वेलवेट टाइप का कुछ का यूज़ किया गया है। इसको करते हैं बंद और पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बॉडी कलर आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, और इधर से हम रिक्वेस्ट सेंसर है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट ऐसा डिज़ाइन टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कोई पॉलिसी वगैरह देखने को नहीं मिलती, फैब्रिक ना तो लेदर, टच वगैरह सब बढ़िया है, एकदम टेक्सचर जो है लेदर राइट दे रखा है। और यहाँ पर आपको बेसिक डोर ओपनर मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक में बेस्ड है। 1 लीटर की बॉटल आप आराम से होल्ड करवा सकते हैं, यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, स्पीकर के लिए जगह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको नी रूम इतना मिल जाता है, जो कि एडोकेट है। और हेडरूम की बात करें तो दिस इज हेडरूम, माय रेफरेंस हाइट इज 5'11", उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन और इंटीग्रेटेड मिलते हैं, और हेडरेस्ट भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। पर खास बात यह है कि इसमें 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये जो ग्रैब हैंडल हैं, दे आर कांस्टेंट, मतलब ये रिलीज़ नहीं हो सकते, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ये नॉर्मल एकदम कांस्टेंट जो होते हैं वो हैं। यहाँ पर आपको कोई सेंट्रल कंसोल में ना तो सॉकेट देखने को मिलता है पावर चार्जिंग के लिए, और ना ही एसी कंसोल देखने को मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, मैं आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो बंद करते हैं, और यहाँ पर आपको अगर मैनुअली ओपन करनी है तो यहाँ पर आपको की इंसर्ट करने के लिए जगह मिल जाती है। और बॉडी कलर आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर इधर साइड देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब रिक्वेस्ट सेंसर इधर साइड है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा, हाँ मिल रहे हैं एक्चुअली, और यहाँ पर मिल रहा है, ये खास बात है, ठीक है।
और मतलब दूर नहीं जाना पड़ेगा बूट वगैरह खोलने के लिए, सीधे वहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। हाइट एडजस्टर और रिक्लाइनर लीवर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और बॉटल होल्डर 1 लीटर की होल्ड कर सकता है, और फाइल वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, और प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ग्रे कलर में आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा डोर ओपनर पे, और यहाँ पर कोई ORVM एडजस्टर नहीं देखने को मिलता है, और ना ही क्विटर प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है ORVM में कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हैं। और जो AC वेंट्स हैं वो गोल में दे दिए गए हैं, और ये सैटन ग्रे ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया। सारा हार्ड प्लास्टिक आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हुड ओपनर मिल जाएगा, तो हुड खोल के देख लेते हैं, मैं हुड खोल के दिखा देता हूँ। इसमें आपको ये 1 लीटर का K-सीरीज इंजन मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करता है 66 PS की पावर, और ये देख सकते हैं ECU वगैरह यहाँ पर लग रखा है, और 90 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। और यहाँ पर आपको कोई वो नहीं मिलता, इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मारुति के इंजन आर नोन फॉर रिफाइनमेंट। और चलते हैं फिर वापस से अंदर की तरफ, और मैं और अंदर चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है वो आपको लेदर एप नहीं मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं, आपको बाहर से ही करवाना पड़ेगा आफ्टर मार्केट। और इसको कर लेते हैं पहले ऑन, ये ऑन हो गई है, और AC को भी ऑन कर दिया है, और इसका जो ब्लोअर है उसको कर दिया 1 पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एक सिंगल डायल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो स्पीडोमीटर है ऑरेंज कलर का इसमें थीम रखा गया है, और एक है डिजिटल जिसमें आपको न्यूट्रल और टैकोमीटर विथ फ्यूल गेज, और इसमें फ्यूल की कमी है ये बता रहा है। और यहाँ पर आपको जो मिलता है वो मिलता है हैंड ब्रेक के लिए इंडिकेशन, और सीट बेल्ट और चाबी के लिए, यहाँ पर आपको टॉगल के लिए यहाँ पर स्टिक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 8 इंच का वो देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले स्मार्ट कनेक्ट जो है मारुति का, वो आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे मीडिया ले लिया तो ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस रेंज। यहाँ पर टच सेंसिटिव आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे म्यूजिक सेटिंग और ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूट और वॉल्यूम्स कम ज़्यादा करने के लिए, हजार्ड लाइट का बटन देखने को मिल जाता है, ऑटो आपको ये देखने को मिल जाएंगे मिरर के लिए, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और विंडो कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, और ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल आपको यहाँ पर AC कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जो टेम्परेचर है हमारे पास भी ऑल्टो हुआ करती थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन बहुत हार्ड है। AC का बटन हो गया, और ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हो गए जो कि काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं, और ये डिफॉगर के लिए यहाँ पर बटन हो जाता है, और यहाँ पर मोड्स के लिए ये भी काफ़ी हार्ड है, और ये भी ये देख सकते हैं फ्लो कहाँ से आएगा, वो भी काफ़ी हार्ड लग रहा है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको नीचे देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, और 3.5 mm का सॉकेट, और यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए जगह, 2 कप होल्डर, और ये है आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जिसमें आपको AMT मिलता है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और ये नॉब भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलने वाली है, और यहाँ पर भी आपको विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि पीछे के लिए हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से ही आप कंट्रोल कर लेंगे, उस साइड में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो था सारा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, और डिसेंट सा आपको इसमें ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है। और वाइज़र की बात करें तो वाइज़र पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, और जो मैनुअल आपको IRVM देखने को मिल जाता है, और डोर लाइट जो है वो भी आपको हैलोजन देखने को मिलेगी, और माइक का प्लेसमेंट यहाँ रखा गया है, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है विदाउट लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो रहा आपका गाड़ी के अंदर का, तो ये तो भाई जो AMT गेयरबॉक्स है, जहाँ तक देखा जाए तो उनके लिए जो गाड़ी सीख रहे हैं और जिन्हें ऑटोमेटिक मतलब ट्रैफिक में चलाने की आदत है, उनके लिए ये बढ़िया है। मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, मैं पहली बार ऑटोमेटिक एक्चुअली ड्राइव किया हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऑटोमेटिक ड्राइव नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे को थोड़ा डर लगता था, लेकिन आज उसका डर भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये तो था गाड़ी के सिलेरियो का इंटीरियर, अब सिलेरियो के बाहर जाके और बात कर लेते हैं। तो गाइस, सिलेरियो स्टार्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, अगर आप वैगनार या आप ऑल्टो 8K10 को देख रहे हैं, उससे बढ़िया ऑप्शन आपको सिलेरियो मिल जाएगा, जिसमें AMT और CNG भी आपको मिल जाती है,
313 लीटर का बूट स्पेस और 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, ये काफ़ी बढ़िया 5,35,000 रुपये से दूर की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वैल्यूएबल कमेंट छोड़ के जाइएगा जिससे कि मेरे को मोटिवेशन और मिलेगी नई वीडियोज़ के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी चैनल से रिलेटेड और ऑटोमोटिव वर्ल्ड से रिलेटेड।